हे दोस्तों, अगर आपके पास भी सैमसंग का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच वाला फोन है और उसमें FRP लॉक लगा हुआ है और उसे बाईपास करने का कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस वीडियो से निराशा नहीं होगी और आपका फोन 100% बाईपास हो जाएगा। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, नहीं तो आपको पूरा प्रोसेस समझ नहीं आएगा और FRP बाईपास करने में प्रॉब्लम होगी। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे इस फोन में भी FRP लॉक लगा हुआ है और मैं इसे बाईपास करूंगा। उसके लिए मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा जिससे आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो खास उनके लिए है जो सारे तरीके अपना कर भी बाईपास नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका फोन इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, फिर चाहे वो वाईफाई, हॉटस्पॉट या फिर आपके सिम का ही नेट क्यों ना हो। अब आप देख सकते हैं कि फोन उसी पैटर्न लॉक की डिमांड कर रहा है जो कि हम भूल चुके हैं, और जब हम यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टेड पर टैप करते हैं तो फोन में वेरीफाई योर अकाउंट का पेज खुल जाता है जिसमें वही जीमेल आईडी एंटर करनी है जो फोन को फॉर्मेट करते टाइम साइन इन थी, जो कि हमें ऑब्वियसली नहीं पता, जिसका मतलब ये हुआ कि फोन FRP लॉक हो चुका है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसे फोन्स में कुछ लेटर्स टाइप करके सेलेक्ट ऑल करने के बाद गूगल सर्च वाली ट्रिक काम नहीं करती है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, सैमसंग के ऐसे फोन्स को बाईपास करने के लिए आपको कंप्यूटर में सैमफॉर्म AIO नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। आपके कंप्यूटर में सैमफॉर्म AIO टूल इंस्टॉल करने के लिए .NET फ्रेमवर्क और फोन को कनेक्ट करने के लिए सैमसंग USB ड्राइवर का इंस्टॉल होना जरूरी है। आपके कंप्यूटर में सैमफॉर्म AIO टूल इंस्टॉल करने के लिए .NET फ्रेमवर्क और फोन को कनेक्ट करने के लिए सैमसंग USB ड्राइवर का इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर आपके कंप्यूटर में .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं है तो आप सैमफॉर्म टूल का यूज नहीं कर पाएंगे। और ठीक इसी प्रकार अगर आपके कंप्यूटर में सैमसंग का USB ड्राइवर नहीं है तो आप अपने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम सैमफॉर्म टूल को ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के लिए आपको इसकी एप्लीकेशन फाइल पर डबल क्लिक करना है या फिर राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये टूल पूरी तरह ओपन होने में 10 से 15 सेकंड का समय लेता है। टूल पूरी तरह ओपन होने के बाद हम इसके एंड्रॉइड टूल्स टैब पर क्लिक करेंगे। एंड्रॉइड टूल्स टैब पर क्लिक करने के बाद बाईपास FRP टैब पर क्लिक करते हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो। उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से FRP बाईपास ओपन यूट्यूब ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आप अपना फोन USB केबल की मदद से कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। केबल लगाने के बाद अगर आपने USB ड्राइवर इंस्टॉल किया होगा तो आपका फोन कंप्यूटर से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में आपके कंप्यूटर में एक पॉपअप मैसेज शो होगा जिसमें लिखा होगा कि इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, और उसके कुछ ही समय बाद एक और पॉपअप मैसेज शो होगा जिसमें ग्रीन टिक के साथ लिखा होगा योर फोन इज रेडी टू यूज। इतना करने के बाद आपको MTP FRP बाईपास बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें आपको याद दिलाया जाएगा कि आपको अपना फोन और कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट किए रखना है। सब कुछ सही होने पर आपको ओके पर क्लिक करके कुछ सेकंड्स वेट करना है। इतना करने के बाद आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी एक पॉपअप शो होगा, बस आपको सिंपली व्यू पर टैप कर देना है। व्यू पर टैप करने के बाद आप डायरेक्ट अपने फोन के ब्राउजर में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां आपको साइन इन नहीं करना है, बस आपको ऊपर सर्च बार पर टैप करना है। सर्च बार में आपको FRP बाईपास फ्रॉम स्टेज टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो सबसे पहली लिंक आएगी उसे ही आपको ओपन करना है। पेज ओपन होने के बाद आपको इसके तीसरे ऑप्शन ओपन सेटिंग पर टैप करना है ताकि मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन और बाईपास करने का पहला तरीका दिखा सकूं जो सैमसंग के कुछ कुछ फोन्स में काम भी करता है। आप स्क्रीन पर फोन की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। अब आपको ले चलता हूं बाईपास के पहले तरीके की तरफ। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स पर टैप करना है।
और फिर पिन विंडोज ऑप्शन को अनेबल करेंगे और इसी ऑप्शन के अंदर व्यू स्क्रीन लॉक टाइप टू अनपिन को भी अनेबल करना है। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है तो बस ये ऑप्शन इनेबल करते ही आपके फोन में पिन पैटर्न या पासवर्ड सेट करने का पेज खुल जाएगा। बस आपको अपने हिसाब से कोई भी लॉक सेट करना है। रीबूट करते ही आपको वही पिन पैटर्न या पासवर्ड एंटर करना है, बस आपका फोन बाईपास हो जाएगा। अगर ये मेथड काम नहीं करता है तो आपको बैक करते हुए वापस उसी साइट पर आ जाना है और पहला ही ऑप्शन गैलेक्सी ऐप स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपको सैमसंग की वेबसाइट पर ले जाएगा जहां पर आपको उस रेक्टेंगल पर टच करना है। टच करते ही आप डायरेक्ट अपने फोन के गैलेक्सी स्टोर में पहुंच जाएंगे। गैलेक्सी स्टोर खुलने के बाद सर्च बार में गूगल प्ले हिडन सेटिंग्स सर्च करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे केस में ये एप्लीकेशन शो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। अगर आपके फोन में ये एप्लीकेशन शो हो रहा है तो आपको इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है, क्योंकि ये बाईपास करने का दूसरा तरीका है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ताकि हम अपने फोन में गूगल प्ले हिडन सेटिंग्स को ओपन कर सके। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में सैमफॉर्म टूल ओपन कर लेना है। उसके बाद अगर आपने अपने फोन से केबल निकाल लिया था तो उसे लगा लेंगे, और अगर पहले से ही लगा है तो उसे निकाल कर दोबारा लगाएंगे। फोन कनेक्ट होने के बाद आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से जीएस हिडन सेटिंग्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एमटीपी बाईपास एफआरपी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक विंडो ओपन होगी जिसे आपको सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद आपके फोन में एक पॉपअप शो होगा जिसे सिंपली व्यू पर टैप कर देना है। व्यू पर टैप करते ही आपके फोन के गैलेक्सी स्टोर में प्ले स्टोर हिडन सेटिंग्स एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जब आप इसे इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल इन गैलेक्सी स्टोर का नोटिफिकेशन शो होता है। इसका मतलब ये मेथड भी आपके फोन में काम नहीं करेगा। अब आपको बैक करते हुए सीधे एफआरपी बाईपास रोम स्टेज साइट पर आ जाना है। इसी साइट में जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपको क्विक शॉर्टकट मेकर नाम का एप्लीकेशन मिलेगा। आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। मेरे फोन में ये पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आपको इसे यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप इसे यहाँ से इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा रामबाण तरीका जिससे आप सैमसंग के किसी भी उस फोन को बाईपास कर पाएंगे जो बाईपास नहीं हो रहा था। इसके लिए आपको गैलेक्सी स्टोर ओपन कर लेना है। गैलेक्सी स्टोर ओपन होने के बाद सर्च बार में आपको फाइल्स शॉर्टकट टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च रिजल्ट आने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद इसके डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आपने जो क्विक शॉर्टकट मेकर ऐप डाउनलोड किया था उसे इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस ऐप के सर्च बार में लॉक स्क्रीन टाइप करना है और सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप करके उसमें एंटर हो जाना है। सेटिंग ऑप्शन में एंटर करने के बाद आपको उसमें कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको उसमें से सेलेक्ट स्क्रीन लॉक वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। ट्राई पर टैप करके ओपन करने पर आपके फोन पर पिन पैटर्न या पासवर्ड सेट करने का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से कोई भी लॉक चुन सकते हैं। मैं अपने केस में पिन सेलेक्ट कर रहा हूं। आप इसमें कोई भी पिन सेट कर सकते हैं, बस आपको इसे याद रखना है। वही पिन दोबारा एंटर करते हैं। पिन एंटर करते ही पेज अपने आप क्लोज हो जाएगा। एक बार पावर बटन को प्रेस करने के बाद चेक करेंगे कि जो पिन हमने सेट किया है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। वही पिन एंटर करेंगे। उसके बाद फोन को सिंपली रीबूट कर देना है।
फोन के रीबूट होने के बाद आपको अपने फोन में उसी पिन को एंटर कर देना है। उसी पिन को दोबारा एंटर कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्किप बटन आ चुका है, बस आपको सिंपली उस पर टैप कर देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आसानी से बाईपास न होने वाले फोन को भी बाईपास कर सकते हैं, और आपने बाईपास कर भी लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस।